ओम वंदे गौ माता। मित्रों, आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत। और सबसे पहले तीन सांसों पर सामान्य ध्यान, एकदम सामान्य सांस, बिल्कुल भी लंबी या छोटी नहीं करनी है। और जब आप सांसों पे ध्यान करते हैं ना, इससे हम सब जगह जहाँ हमारा मन भटक रहा होता है वहाँ से वो पुनः हमारे केंद्र में आ जाता है, जिससे हमें व्यायाम करने में, सांसों पे ध्यान करने में सरलता होती है। उसके बाद तीन बार ओंकार का उच्चारण, आप सभी को नमस्ते। चलिए आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। आज सुबह उठने से पहले, यानी कि व्यायाम करने से पहले, उठने से पहले नहीं, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, लेकिन आज मेरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं, लास्ट में जितना होता था उतना आज आरंभ में ही था, लेकिन भाग भी बहुत गड़बड़ हो जाती है। वो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कैसे क्या गड़बड़ हो जाती है। अब जो आरंभ में पेट में पीड़ा थी ना मित्रों, जो मैं कपड़े पहन रही थी उस समय मुझे लगा कि पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और मुझे लगा आज मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आज देखा तो बहुत अच्छे से मेरा कर भी बहुत अच्छा बना, पीछे जाने में भी मुझे सुविधा हुई, समस्या नहीं हुई, पीड़ा नहीं हो रही थी। बड़ा अच्छा लगा करने में कि चलो बहुत आनंद आ रहा है इस करने में। और मेरा व्यायाम चलता जा रहा था बहुत शांति से, क्योंकि सूर्य नमस्कार या कोई भी अभ्यास जब आप करते हैं ना, आपको बहुत शांति से करना होता है, सांसों पे ध्यान के साथ। मन में जो जाप चलता है मेरा, ओम सोहम, सांस भरते समय ओम, छोड़ते समय सोहम का जाप निरंतर चलता रहता है। ये जाप जो है ना, इससे हमारी सांसों पे ध्यान रखने में भी सहायता होती है और हम अपने आप को एकाग्र बना पाते हैं, इसलिए सांसों पे ध्यान आवश्यक होता है। उसके बाद ये भी कर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज अपने आप को करते समय जो फील कर रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था व्यायाम करने में। और धीरे धीरे व्यायाम आगे बढ़ता है तो क्या है ना, आज पर्वतासन करने में भी मेरे हाथ बिल्कुल भी स्लिप नहीं हुए, अन्यथा इस जगह मेरे हाथ स्लिप होते थे। आज मैंने पहले प्रयास किया कि हाँ स्लिप हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन नहीं हुए, तो मैंने पर्वतासन को भी बहुत अच्छे से किया और बड़ा आनंद से आज मेरा वो जो पेट में आरंभ में जो पीड़ा हो रही थी, जो लग रहा था कि करने देगा कि नहीं करने देगा, वो सारा भय इस समय जब मैं ये कर रही हूँ मेरे मन से, मस्तिष्क से छूमंतर हो चुका था। मुझे किसी प्रकार की भी कोई भी पीड़ा नहीं आभास हो रही थी। और उसके बाद ये अष्टांग प्रणिपात आसन 8 अंग भूमि पे होते हैं। या आपने कई बार मुझे दूसरे कपड़ों में भी देखा तो आपको पता है कि भाई कैसे ये अंग होते हैं। क्योंकि आज मैंने जो ड्रेस पहना है ना, ये आप अनुमान लगा सकते कितने साल पुराना होगा, मैं अंत में बता दूंगी आपको। चलिए आज इस विषय को हम, इस प्रश्न को अंत में रखते हैं कि ये ड्रेस कितना पुराना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगी कि ड्रेस मेरा बहुत पुराना है, तो आप अंदाज लगाइए पहले कितने साल पुराना होगा। अब ये अभ्यास जो होता है ना मित्रों, इसमें हमारा पेट, पूरा बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। और मैं कई बार किसी के भी, आप सबका शरीर मोटा है तो इसमें सांस फूलती भी है, लेकिन मेरा बॉडी रिलैक्स होता है इसमें। और उसके बाद थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, इसको भुजंगासन कहते हैं। और इस आसन को करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। जिनको थायराइड है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उसके बाद ये कुकुर आसन का अभ्यास, कुकुर आसन भी आज बहुत अच्छे से हुआ था। इस साइड में मैंने देखा, ये जो मेरी गर्दन घूमी वहाँ मैंने साइड में अपना शैडो देखा था, परछाई देखी, मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ आज ये सब अच्छे से हो रहा है। हाँ, ये पजामी बहुत चौड़ी मैंने उस समय सिली थी, मेरे हाथ का सिला हुआ ड्रेस है, इसलिए कब का ही आप बताइए, बात नहीं तो मैं बता ही देने वाली हूँ कितने साल पुराना है ये। और उसके बाद इसको वापस आके, इस ड्रेस में मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, मतलब इस ड्रेस को पहन के मैं कुछ भी करने में सक्षम होती हूँ। क्योंकि मैंने मोस्टली अपने कपड़े में जब सिलती हूँ ना, मैं ऐसे ही सिलती हूँ, मैंने मोस्टली कपड़े अपने सिल के ही पहने, जो मतलब कॉटन वगैरह होते हैं ना, मैं सिल के ही पहनती थी। तो मैं ऐसे कपड़े सिलती थी कि मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझे व्यायाम करने का शौक तो आरंभ से ही रहा था, तो मुझे कभी भी कुछ भी करना पड़े तो मुझे उसमें असुविधा नहीं होनी चाहिए, मेरा हमेशा ऐसा ही मानना रहा। और उसके बाद ये अभी सूर्य नमस्कार पूरा होने जा रहा है, और अब वापसी में ये मैं पूरा नहीं जा पाती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं उस पर वहाँ प्रेशर भी नहीं देती कि मुझे जाना ही जाना है, नहीं जाएंगे चलेगा,
लेकिन हाँ शरीर में खिंचाव आएगा, तनाव आएगा, जो प्रेशर दे जाएगा वो नहीं चलेगा। आज आप देख सकते हैं मेरा व्यायाम करीब 10-15 मिनट विलंब से आरंभ हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैंने भोजन बनाना आरंभ कर दिया था। आज मुझे भूख भी लगी थी, कल एकादशी का व्रत गया था, तो वैसे व्रत में मैंने कल भोजन क्या किया था उसका वीडियो आपको बीती शाम को मिल गया होगा हमारे दूसरे चैनल प्रभा भारतीय पर, यदि आपने देखा हो तो। और इसके बाद जो थोड़ा अनइजीनेस हो रही थी मुझे, उसके लिए मैंने कहा थोड़ा सा शांति से व्यायाम करूं, तो मैं इसमें रिलैक्स हो रही थी। ये अभ्यास मेरा रिलैक्स होने का मूड होता है, तो मैं इस अभ्यास को विशेष कर करती हूँ। वैसे ये अभ्यास करने से सर के सारे रोग दूर होते हैं, बाल काले होते हैं, असमय बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, पर हाँ स्वास्थ्य नियम का साथ में पालन करते हैं तो पूरा लाभ होता है। स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। और रोगों के कारण भी आपको समझने होते हैं, रोगों के कारण समझेंगे तो स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन ठीक से कर पाएंगे। उसके बाद इसको पूरा करते हुए उसके बाद मंडूकासन का अभ्यास हमें करना है, क्योंकि इसके साथ ही में मंडूकासन वज्रासन में बैठे हैं तो दोनों अभ्यास हम साथ में कर लेते हैं। अब मंडूकासन का अभ्यास ये देखिए, मंडूकासन का अभ्यास करने में गड़बड़ हो गई, आज इससे ज़्यादा नीचे जाया ही नहीं गया, क्योंकि अब यहाँ पे पेट में पीड़ा आई। आपने देखा सूर्य नमस्कार पूरा हो गया, उसके पहले बाद वो आसन हो गया, पहले झुक भी पाई, लेकिन मंडूकासन में पेट में पीड़ा हो रही थी। कल कुछ उल्टा हो गया था, कल वैसे पीड़ा हो रही थी पर मंडूकासन में पीड़ा नहीं हुई थी, लेकिन आज कुछ और हो रहा है। तो ये पेट में हल्का सा कहाँ दर्द था, वो नाभि के साइड में दोनों साइड पे हल्का हल्का पेन था, तो मैंने उस फिर उसको आगे करना उचित नहीं समझा। जितना झुका गया उतना ही झुकी हूँ। आपने देखा था कल या परसों मेरी गर्दन जो है वो चिन जो है भूमि पे लग गई थी, लेकिन आज कितनी ऊपर है आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ आज आरंभ में जो मैंने व्यायाम किया था उसमें कोई पीड़ा नहीं थी, सूर्य नमस्कार में भी कुछ नहीं था, तो सब शांति से किया। तो मैंने कहा ना जब मुझे कुछ पीड़ा वगैरह होती है, मुझे उसका आभास होता है, तो मैं उन चीज़ों को वहीं रोक देती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही बात है कि शरीर में अतिक्रमण नहीं करना हमें अपनी शक्तियों का, और कभी भी हमें अपने शरीर के साथ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बल प्रयोग करने से हमारी शक्तियाँ जो हैं वो नष्ट होती हैं और हमें कई बार अनइजीनेस होने लग जाती है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमें अनइजीनेस हो, तो वो हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं मरकटासन का अभ्यास, क्योंकि मुझे लगा कैसे भी जो पेट में हल्की सी पीड़ा आ रही है उसको रिलैक्स कर दिया जाए, तो ये मरकटासन का अभ्यास है। मित्रों एक बार समझ लीजिए, आपको कहीं पीड़ा हो रही है तो जो करते बने वो करिए, पर व्यायाम टालिए मत, व्यायाम छोड़िए मत, क्योंकि कई बार क्या होता है ना ये नहीं हो रहा, अरे हमसे तो व्यायाम ही नहीं हो रहा, हम इस तरह से व्यायाम को छोड़ देते हैं। क्योंकि आप जानते हो मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि अभी मेरे ऑपरेशन को 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, मतलब 18 मई को मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, अभी आज कौन सी तारीख है, 13 मई है, हाँ 13 अगस्त है, तो अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मरकटासन का अभ्यास अनिवार्य होता है। क्योंकि जब पेट में पीड़ा है, कुछ हो रहा है, जो आसन करते बने वो आप कर लीजिए, ऐसा करने से क्या होगा, व्यायाम आपका बना रहेगा, होता रहेगा, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। तो मुझे सावधानी ये रखनी होती है कि जो मेरा ऑपरेशन हुआ है उसमें कहीं भी मेरे अंग में खिंचाव या तनाव ना आ जाए, कहीं कुछ प्रेशर ऐसा ना पड़ जाए जिससे मुझे जीवन भर आगे की समस्या हो जाए। इसलिए मैं ये देख के करती हूँ कि जहाँ पीड़ा होती है वहाँ अतिक्रमण नहीं करती हूँ, बस वहीं अपने आप को रोक लेती हूँ। इसलिए मित्रों कभी भी आप कोई भी अभ्यास करें ना, आपको सहन नहीं करना होता। एक बात ध्यान रखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपको आलस में पड़े नहीं रहना होता, लेकिन आपको पीड़ा आदि को सहन नहीं करना होता, ये आप ध्यान रखिए। यदि आप पीड़ा सहन करते हैं तो ये आपके साथ अतिक्रमण हो जाता है, ये आप अधिक समय कर सकते हैं। मैंने फटाफट किया है, इसको थोड़ी देर ही रखा है, क्योंकि मेरे को क्या है ना दोनों पैरों से करना था, मुझे दोनों पैर से करने में ज़्यादा रुचि आती है, वो ज़्यादा आनंद देता है, तो मैं दोनों पैरों से करती हूँ। पर एक पैर से आपको करके इसलिए दिखा दिया ताकि आप नहीं कर पा रहे तो वैसे करना आरंभ कर सकें, फिर आप ऐसे भी कर पाएंगे। ये देखिए मुझे इसको करने में ज़्यादा आनंद आता है, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ और इसमें गैस बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है, तो मुझे ऐसा था यदि गैस वगैरह होगी तो निकल जाएगी, पर मुझे गैस बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कुछ भी गैस पास जैसा स्थिति नहीं बनी मेरी। उसके बाद ये नाक को पादंगुष्ठ नासा प्रशासन, ये नाभि को बैलेंस करने के लिए होता है, इसलिए इस आसन का अभ्यास मैं रोज करती हूँ, क्योंकि इससे नाभि सेट रहती है और नाभि यदि सेंटर में रहेगी तो हमारा सब कुछ सेंटर में रहेगा। और इसलिए ऐसे अभ्यास आपको रोज करने चाहिए, जैसे नाभि का है एक ये और एक वो सेतु बंधासन जो होता है ना, ये दो अभ्यास नाभि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जिनकी नाभि बार बार हटती है उनको नियमित अभ्यास में करना ही चाहिए, उनको ये आसन के अभ्यास करने ही चाहिए। अब ये
सेतुबंध आसन से पहले की तैयारी थी, पर हाँ इसमें मैंने खाली पेट को हल्का सा रिलैक्स दिया था कि कभी कभी कमर में दर्द होता है, क्योंकि बोला ना पेट में दर्द है तो कभी कभी असल तक कमर भी खींच रही है, तो कमर को भी रिलैक्स करना होता है। तो ये जो अभी कर रही हूँ आप देखिए, हल्का सा कमर का बीच का हिस्सा उठ रहा है, वो सांस नहीं भर रही हूँ, कमर का हिस्सा उठा रही हूँ, और हाथ मैंने पीछे इसलिए कि ताकि आपको दिखाई दे, वरना इसमें हाथ मैं आगे नीचे ऐसे साइड में रखती हूँ, पर अभी मैंने इसलिए ऊपर रखे थे ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ मेरी पीठ हल्के सी उठ रही है। और ये रिलैक्स होने के लिए करवट पे होके दूसरी साइड, ये देखिए बड़ा आसानी से हो जाता है। और ये मैं छोटे बच्चों के साथ ये मैं बहुत करती हूँ, मुझे जब छोटे बच्चों का ही मिल जाता है ना खेलने के लिए, मैं उसके रो रहा हो कैसा भी बच्चा रो रहा हो उसको ये अभ्यास करवाइए, ये करवाइए, दोनों पैर पकड़ के हाथों को सीधा करके, मैं कभी बच्चा मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी करके कि कैसे इसको किया जाता है, बड़ा मजा आता है मेरे को करने में, और बच्चा भी बहुत खिलखिला के हंसता है, क्योंकि मैंने सब बच्चों को किया है, मेरे घर में जितने भी बच्चे हुए ना, मतलब मेरे भाइयों के, मैंने सबको किया, मेरे बच्चे को भी कर किया था, तब वो नहीं था, वो बच्चा ही याद आ रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि हाँ इसमें कैसे आनंद आता है, बच्चे कैसे खिलखिलाते, मुझे वो याद आ गया। मेरी एक्चुअली बड़ी भतीजी मुझे याद आ गई थी कि वो मेरे साथ ज़्यादा रही है, उसको मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उसके साथ लगातार 4 साल रही थी, बाकी गोपाली वगैरह के साथ इतना अधिक नहीं रही मैं, उसके साथ गोपाली के साथ 1.25 महीने रही थी। तो एक बार गोपाली के साथ ही आपको उसका किस्सा सुनाऊंगी, उसकी माँ के साथ सुनाऊंगी, बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सेतु बंधासन का अभ्यास, ये सांस भर के ऊपर उठा जाता है, फिर ऊपर आके सांस नॉर्मल चलती रहती है, और ये मैंने प्रयास किया कि मेरा जो पीछे का कुर्ता घुटने से दब जाए, पर नहीं दबा, क्योंकि उतनी स्थिति नहीं थी और मेरे पैर वहाँ पहुँचे नहीं, तो नहीं दबा, कोई बात नहीं। पर हाँ आपको अभ्यास पता है तो कभी कभी मैं बीच में टी शर्ट पहन के भी आपको दिखाऊंगी, ताकि जो रेगुलर देखने वाले उनको तो पता रहेगा, पर जो कभी बीच में ज्वाइन करते हैं कि हाँ भाई आज देख रहे हैं कल नहीं देखा, तो ऐसे लोग भी व्यायाम देखेंगे तो आराम से देखेंगे, मैंने रोज के वीडियो डाले हैं एक्सरसाइज व्लॉग के रूप में, तो अब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभ्यास मैं कैसे करती हूँ, और ये बड़ा सरल है, और इस पर सेतुबंध आसन पर मैंने अलग से आसन प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो भी दिया है, और 2 दिन से पता नहीं मेरा नाड़ा क्यों मैं ढीला बांध पा रही हूँ, टाइट नहीं हो रहा है, तो मुझे वापस यहाँ लेट के नाड़ा टाइट करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ इस स्थिति में ही पता चलता है कि नाड़ा बहुत ढीला है, तो मुझे टाइट करना पड़ जाता है। और उसके बाद हाँ आगे बढ़ते हैं आगे के अभ्यास। अब ये जो मैं उठने का प्रयास कर रही हूँ, उठना है मुझे, ये मैं उठ गई, क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि भाई अब क्या स्थिति है, पेट में क्या स्थिति बन रही है, क्या नहीं बन रही है। और अब मुझे आज लेट के जो अभ्यास करने थे, क्योंकि ज़मीन से पैर उठाने की ताकत नहीं थी, पेट में थोड़ा पीड़ा थी, तो मैं कभी भूमि से पैर ना उठा जाए तो अच्छा है, इसलिए मैंने आज ऊपर पैर के व्यायाम किया है, ये एक ही पैर से किया है, दोनों पैर से आज मैंने करने का प्रयास अधिक नहीं किया, क्योंकि पीड़ा हो रही थी तो मैंने उसका रिस्क नहीं लिया, पर हाँ एक पैर से बड़ा आसानी से और बहुत अच्छे से करते बन रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम एक पैर से आज इस अभ्यास को कर लेते हैं, कि जितना हो जाए उतना करना, 2 पैर से एक बार किया बस हो गया, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाया, पेट में पीड़ा आई, मैं कहा नहीं करना है, हल्की सी लगी तो फिर वापस एक पैर से मैंने इसको आरंभ कर दिया कि भाई एक पैर से ही होने दो, 2 पैर से करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ना हो उसको बल प्रयोग के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आप लोगों की बात हर वीडियो में बताती हूँ, जब व्यायाम बताती हूँ कि भाई अपनी शक्तियों का अतिक्रमण ना करें, अपने साथ बल प्रयोग ना करें, ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। अब ये वज्रासन में बैठने का अभ्यास करने जा रही हूँ, क्योंकि वज्रासन में बैठ के कभी कभी गैस वगैरह हो तो निकल जाती है, पर गैस होगी तो निकल जाएगी ना, ये पीड़ा गैस की नहीं थी जहाँ तक मुझे समझ में आई, क्योंकि गैस होती तो निकल जाती है, वज्रासन में निकल जाती है, वो पवन मुक्त आसन क्या उसमें निकल जाती, ये मरकटासन क्या उसमें निकल जाती, कहीं तो निकल जाती, पर वो हल्का सा, पर हाँ दबने से पेन हो रहा था, ऐसे पेन नहीं था, तो अब वो पेन खत्म हो चुका था, पर जैसे दबता था ना तो पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने बस वहीं उसको स्टॉप कर दिया। कहा ना हमें बहुत ही सावधानी से सारे काम करने होते हैं, देखो हम व्यायाम सारे करते हैं क्योंकि हमें शरीर को फ्लेक्सिबल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना शरीर फ्लेक्सिबल होगा ना उसमें उतना ही फैट कम डिपॉजिट होता है, जब मसल्स हमारे जाम हो जाते हैं तो कहीं भी वो कुछ भी जाम होने लग जाता है जिससे वो गड़बड़ करता है, तो फैट बढ़ता है या कुछ, और मोटापा तो हर रोग का कारण बन ही जाता है मित्रों, क्योंकि जब मोटापा आता है तो सांसें भी फूलने लग जाती हैं, उसके अलावा धड़कन भी तेज हो जाती है, उसके साथ ही थकान भी बहुत ज़्यादा लगती है, आलस भी बहुत आता है, तो इसलिए मैं बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने का, तो क्या है ना कभी कभी थोड़ा मुंबईया भाषा याद आता है, कल का कोई किसी से बात किया था वो याद आया तो ऐसी भाषा आ गई, वो बात करते करते आपको बताते बताते कुछ याद आता है ना मेरे को, तो फिर मैं वैसे ही भाषा बोलने लग जाती। चलिए तो थोड़ा मस्ती हो गई, क्योंकि मस्ती भी ज़रूरी होती है, मस्ती के साथ जब हम काम करते हैं ना, क्योंकि मैं जब किसी का ट्रीटमेंट भी करती हूँ मुझे बड़ी मस्ती आती है, मैं मस्ती के साथ ही ट्रीटमेंट भी करती हूँ, तो लोग बोलते दीदी आपके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, हाँ क्योंकि मैं जब
कुछ भी काम करती हूँ ना, मुझे एक ही चीज़ सही होती है कि मुझे अपने आप को कहते ना, मैं घर में बहुत सीरियस रही हूँ, हमेशा सीरियस रही, क्योंकि मेरी माँ भी मुझे ऐसी मिली जिसने मुझे हमेशा सीरियस ही रहने दिया, और पति तो था ही, आपने देख लिया सारी बातें मैंने बताई थी। और उसके बाद जब ऐसा लगा कि भाई जब सारी लाइफ सीरियस रह के क्या करना है, तो मैं जब घर से बाहर निकलती थी ना, मैं बहुत जॉली में होती थी, मतलब बहुत मेरा माइंड ऐसा होता था कि बस अब सब मस्ती होनी चाहिए। और अब तो घर में भी अकेले रहती हूँ तो मस्ती वहाँ भी हो जाती है। अब ये मैंने प्रयास किया कि भाई पेट को और रिलैक्स कर दूँ, तो ये वैसे तो पेट साफ करने के लिए अभ्यास होता है, पानी पी के हम इस अभ्यास को करते हैं पेट साफ करने के लिए, पर आज मैंने इसको ऐसे ही कर लिया ताकि मेरे बॉडी, मेरा जो पेट है उसको थोड़ी सी मसाज मिल जाए, मालिश मिल जाए, क्योंकि हम पेट की ये जो मसल्स हैं जिनको जितना मूवमेंट देते हैं ना उतना इसमें मसाज हो जाता है, जिससे हमारा पेट हल्का हो जाता है। तो पेट की पीड़ा को शांत करने के लिए ये, मतलब जो हल्की सी रह रही थी तो कुछ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होनी चाहिए थी, पर हो गई, कोई बात नहीं। और मुझे बाद में ऐसा लगा कहीं मुझे भूख लगी थी इसलिए ऐसा हुआ, मुझे समझ में नहीं। वैसे कल रात को मैंने दूध भी पिया था, दिन में कल मैंने दो बार सब्जियां भी खाई थी, कल मैंने परवल की सब्जी खाई थी, सुबह भिंडी की सब्जी दही के साथ खाई थी, पर फिर भी पता नहीं भूख लगी थी, क्या हुआ था समझ में नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज सुबह मेरी आँख जल्दी खुल गई थी मेरी, आज मैं 3:30-4:15 के आसपास उठ गई थी, तो आज मेरा पेट भी साफ जल्दी हो गया, तो आज मैं 4:30 बजे स्नान कर चुकी थी, और उसके बाद मैंने प्राणायाम किया 1 घंटा, उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह की, उसके बाद में व्यायाम करने बैठी। उससे पहले मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था क्योंकि मुझे भूख लगी थी ना, तो मैंने कहा आज मुझे दाल खानी थी, चावल की जगह मैं रागी खाती हूँ, नाचनी, तो मेरा भोजन, वो तो भोजन का वीडियो आपको आज शाम को ही हमारे चैनल स्वास्थ्य प्रभा भारतीय पर मिल जाएगा, तो आप 6 बजे का टाइम उसका है, ये सुबह 6 बजे का स्वास्थ्य रक्षा पर, वो शाम को 6 बजे प्रभा भारतीय चैनल पर, ऐसे मेरे दोनों वीडियो भोजन के और व्यायाम के मैंने डालना आरंभ कर दिए हैं। मैं प्रयास करूँ कि मैं इसको रेगुलर डालूँ, पर हाँ कभी कभी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि व्यायाम वाला तो ठीक से बन जाता है, पर भोजन वाला गड़बड़ हो जाता है कि भोजन वाला मैं भूल जाती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आता, तो मुझे भोजन वाला वीडियो फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कैमरा चालू ही नहीं कर पाती, भूल वहाँ जाती हूँ। और जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं कहा चलो भाई अब ये हाथों को थोड़ा व्यायाम दे देते हैं, अपने कंधों के व्यायाम कर लेते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको जो आरंभ में टाइटल दिया ना कंधों के लिए व्यायाम, तो कंधों के लिए व्यायाम मैंने आरंभ से नहीं सोचा था, लेकिन बाकी जब व्यायाम नहीं कर पाई तो मैं कहा कोई बात नहीं, अपर बॉडी को ही आज फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, क्योंकि उसको भी फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। जिनके कंधे में दर्द है, जिनके कंधे में पीड़ा है, उनके लिए अभ्यास बहुत काम के हैं। तो आज आप देखेंगे अभी जो हमारे करीब 10-12 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, क्योंकि 2 मिनट में तो हमारा पूरा अंतिम होता है, तो 10 मिनट जो बचे हैं उसमें हम आपको सारे के सारे गर्दन वाले व्यायाम बताने वाले हैं कि गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, और साथ ही हमारे जो ये कंधे होते हैं ना उनका व्यायाम कैसे कर सकते हैं, बड़ी सरलता से हम व्यायाम बताएंगे आपको, ताकि आप इतनी ही इजीली व्यायाम कर सके। क्योंकि क्या है ना, आजकल ऑफिस में काम होता है, काम में टेढ़ा मेढ़ा बैठना हो जाता है, क्योंकि आजकल सीधा तो कोई बैठता ही नहीं भाई, किसी को भी सीधा बैठना नहीं आता, मैं जब भी किसी को कहीं भी बैठा देखती हूँ ना तो लोग गोल होकर ही बैठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कमर की यानी कि रीढ़ की हड्डी में, कंधों में, और जो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, एक हाथ ऊपर है तो हाथ ऊपर ही रह जाता है, दूसरा कंधा नीचे हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ समस्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए हम आपको ऐसी बातें बताएंगे, ऐसे व्यायाम बताएंगे जिससे आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, जिससे आपके इन दर्दों में आपको आराम मिले और ये पीड़ा अधिक ना हो और धीरे धीरे खत्म हो जाए। खत्म करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये है, ये नाव चलाना, नाव की पतवार कैसे चलती है ये देखिए, आप जब दोनों साइड से कोई नाव की पतवार चलाता है ना, आप उसको महसूस कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा कभी, आपने किसी को, एक फिल्म आई थी कटी पतंग वो गाना है, वो जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उसमें राजेश खन्ना कुछ ऐसे ही नाव चलाता है दोनों हाथों से, तो आप वही देख सकते हैं कि वैसे ये नाव चल रही है, ना समझ में गाना देख लेना, पता चल जाएगा कि नाव की पतवार कैसे चलाई जाती है। तो ये मुझे वो याद आ रहा था इसलिए मैं वो आपको बता रही हूँ, उस समय जो याद था वो अभी भी चल रहा है। हाँ, सांसों पे ध्यान के साथ कभी कभी कहते हैं मस्तिष्क में कुछ और बातें भी आ जाती हैं, तो वो हमें कर जाती हैं कि हाँ हंसा भी जाती हैं, कुछ एक्शन भी दिए जाती हैं। अब ये जो है ना, ये मैं एक्सरसाइज, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, मैं जब टेबल टेनिस खेलती थी ना तब मुझे एक्सरसाइज बहुत ये मैं करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था इसको करने में, बड़ा मजा आता था, क्योंकि इससे है ना हमारा हाथ पूरा फ्लेक्सिबल होता है। यदि आप खेलते हो ना उस समय भी आप ये एक्सरसाइज करते हो, इससे आपके हाथ ये पूरे बॉडी मूवमेंट हो जाते हैं, जिससे आपको बैट उठाने में, बैट मारने में, बैट चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इससे ये व्यायाम जो है ना मित्रों, मैं तब करती थी, मैं तब से व्यायाम कर रही हूँ, और मैं करीब करीब रेगुलर तो नहीं, पर हाँ जब आवश्यकता पड़ती है मैं कर लेती हूँ।
और जब हम व्यायाम करें तो सारी चीजें फ्लेक्सिबल अपने आप हो जाती हैं। अब उसके बाद ये जो है ना ताली बजाई सर के ऊपर और वैसे हथेली सरका के पकड़ ली, यदि सीधा पकड़ के दिखा दो ना लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे पकड़ा है, इसलिए पहले सर पे ले जाके हथेली के ऊपर हथेली टिकाई, उसके बाद ताली बजाई, उसके बाद कलाई से कलाई पकड़ ली, मतलब हाथ से दूसरे एक दूसरे के हाथ की कलाई पकड़ ली, तो इस तरह से ये। और देखिए गर्दन सीधी है, गर्दन के पीछे से हाथ जाता है, जितना आए उतना सांस भर के सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और खींच देंगे, पूरा जितना खींच सकते हैं नीचे वाले यहाँ से खींच देंगे, सांस भरी सांस छूट गई, तो इस तरह से ये अभ्यास होता है। ये बहुत अच्छा है गर्दन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए और साथ ही हमारे कंधों के लिए, कंधों का व्यायाम बहुत अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं जिनको कंधों में पीड़ा हो। और पूरे समाधान के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें जोड़ों के दर्द पर सारे प्रकार के दर्द पर हमने वीडियो दिए हैं। और पूरा ठीक करना है ना मित्रों, तो स्वास्थ्य नियम रोगों के कारण समझने होते कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब समझना होता है। उसके बाद प्राणायाम भी यदि आप साथ में करते हैं ना मित्रों, तो आपको बहुत जल्दी अपने भीतर के हर पेन में, हर दर्द में, हर रोग में समाधान मिल जाता है। और रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम ये दो ऐसी प्लेलिस्ट है मित्रों हमारी, ये हर रोग पर काम करते हैं, यानी कि रोग इन्हीं के कारण होता है जो रोगों के कारण है, और इन्हीं से स्वस्थ हो सकता है जो स्वास्थ्य नियम है। तो ये आपको करने होते हैं, डू एंड डोंट जो लोग बताते हैं ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हमने रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम में विस्तार से बताया। तो उसके बाद ये गर्दन हम साइड में घुमा रहे हैं, आप देख सकते हैं कंधे स्थिर रहने चाहिए, हल्के से मेरे कंधे उसके साथ मूवमेंट कर रहे हैं, पर कंधा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, अगली बार करूंगी तो ध्यान रखूंगी। और ये जब आप अभ्यास करते हो ना मित्रों, इसमें ध्यान रहे आंखें खुली ही रखनी है, आंखें बंद रखने से किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं, और चक्कर आते हैं तो कई बार गिरने की स्थिति बन जाती है और पूरा काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, किसी किसी को अनइजीनेस हो जाती है, इसलिए ध्यान रहे बिल्कुल भी आप आंखें बंद करके ना करें। और अगला जो अभ्यास मैं करने जा रही हूँ, यह अभ्यास मित्रों बहुत ही वैसे तो सरल है, लेकिन हाँ ये किसी किसी को फटाफट करने से चक्कर दे जाता है, इसलिए बहुत शांति से करें और आराम से करें, जिसमें शरीर में शक्तिहीनता होगी यानी कि निर्बलता होगी कमजोरी होगी उनको इसमें चक्कर आने की संभावना बन जाती है, इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है। 10-10 बार आप कर सकते हैं, थोड़ी देर रखना चाहें तो गर्दन रख भी सकते हैं, पर इसमें बहुत अधिक गति ना बढ़ाएं, झटका ना दें, ये गर्दन की बात है मित्रों, झटका लग जाए तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, फिर गर्दन में पट्टा पहनना पड़ेगा, और यह पट्टा निकालने का तरीका, पट्टा नहीं पहनना पड़ेगा, यदि हमारी ये एक्सरसाइज आप ठीक से कर लोगे पट्टे से आप बच जाओगे, पट्टा ना कमर में पहनना पड़ेगा, ना पट्टा गर्दन में पहनना पड़ेगा, ना पट्टा पीठ में पहनना पड़ेगा, कई बार पीठ में को भी सीधा रखने के लिए पट्टा पहना देते हैं, कमर को सीधा करने के लिए पट्टा पहना देते हैं, और गर्दन को सीधा रखने के लिए पट्टा पहना देते हैं, तो पट्टा नहीं पहनना है तो पट्टे के बिना के पट्टे वाले काम करो, बिना पट्टे के वाले काम करो, ये बिना पट्टे वाले काम है। तो मित्रों ये भाषा जो है ना वो मैंने कल कहीं गई थी मैं, तो वहां मैंने सुनी थी, वो पट्टा पट्टा कर रहे थे, उनको पट्टा चाहिए था तो पट्टा 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 कर रहे थे, मुझे पट्टा पट्टा वैसे ही पट्टा याद आ गया। तो ये हम आगे अभ्यास कर रहे हैं, गर्दन पूरी गोल घुमानी है, इसमें विशेष सावधानी रखनी कि भाई बिल्कुल भी आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें बंद करी तो चक्कर आने निश्चित हैं, फिक्स हैं इस व्यायाम में, ये जो है ना जब गर्दन घूमती है ना तो पता ही नहीं चलता कि गर्दन घूम रही कि हम घूम रहे हैं, तो आंखें बंद बिल्कुल नहीं करना, आंखें खोल के करना, क्योंकि तो इसमें अपने आप धीरे धीरे चलते जैसे झूम रहे हैं आंखें बंद हो जाती हैं, तो आंखें बंद नहीं करना, होने नहीं देना, आंखें खोल के रखना, क्योंकि सावधानी जरूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप भी जानते होंगे रोड पे यदि हाईवे पे निकलो तो बहुत सारी जगह लिखा होता है भाई कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमें सावधान रहना है ताकि दुर्घटना ना घटे। अभी दूसरी तरफ से कर रही हूँ, अब करते समय सावधानी रखें कि यदि लग रहा है कि कुछ अनइजीनेस हो रही है तो बहुत आराम से करें, शांति से करें, और यदि लगता है कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो जितना एक साइड से घुमा के दूसरी साइड से भी वैसे घुमा लो, मैं आपको अगली बार जब बताऊंगी तो वैसे ही बताने का प्रयास करूंगी, एक साइड से घुमाया फिर दूसरी साइड से घुमाया फिर एक साइड से घुमाया, मतलब क्या ना जैसे हम हाथों को करते हैं वैसे हम इसको भी कर सकते हैं, पर आज मैंने एक साइड से ही पहले 5-7 बार घुमा के फिर दूसरी साइड से 5-7 बार घुमाया था। तो ये अभ्यास है ना मित्रों, ये गर्दन आपकी जो गर्दन जो कहते हैं ना गर्दन पीछे से हंप निकल आता है, जो पीछे की गर्दन जो का जो हिस्सा होता है ना वहाँ से हंप निकल आता है, और जिनकी गर्दन बहुत छोटी होती है उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। अब ये टेढ़ा देखना है, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे टेढ़ा देख रही हूँ, एकदम साइड से टेढ़ा 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 देखना है, टेढ़ा टेढ़ा देखना है, वो कई बार हैं करते ना हैं, दूसरी साइड हैं होती है ऐसे दोनों साइड हैं करने की। उसके बाद मैंने घड़ी देखी, क्योंकि मेरे सामने भी एक घड़ी लगी हुई है, पीछे घड़ी रखी हुई है, तो मैंने सामने वाली घड़ी देखी, थोड़ी ऊपर लगी हुई है एक्चुअली दीवार पे, और ये गर्दन को हम गर्दन कह रही कि पीछे जाना है, सर कह रहा था आगे आना है, इसको ज़्यादा देर नहीं किया, ये आगे से धक्का दे रहे हैं, गर्दन आगे को धक्का दे रही, हाथ पीछे को धक्का दे रहे हैं, वैसे ही साइड से, और ये
एकदम प्रेशर दिया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों में टक्कर आती है और उसका जो प्रभाव है वो गर्दन पर पड़ता है, तो इससे गर्दन हमारी मजबूत बनती है। गर्दन में जो कहते हैं ना थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है जो अभी हमने किए हैं, चारों पीछे से आगे से साइड से, वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं मैं भूल गई हूँ, सांसों पे ध्यान नहीं, अच्छा हाँ ये आगे से गर्दन हिलानी, खाली आगे की गर्दन हिलानी है। आगे हम जैसे वो कुछ आगे कुछ रखा है उसको गोलाई में हम देख रहे हैं ऐसा मान लीजिए, या कोई बड़ा सा गोला बनाया उसको हम ऐसे गोल घुमा के देख रहे हैं आप ऐसा मान लीजिए इसको, फिर उल्टा करके हमें देखना है। और इसमें आंखें ऐसे खुल जाती है, ऐसा लगता है मानो कोई छोटा बच्चा हो सोते हुए जागा हो, उसको कुछ देख एकदम से कुछ अचानक दिख गया हो वैसा हो रहा है। तो वैसी इसमें मुझे अपनी आंखें लग रही थी, जो मैं अंदर से फील कर रही थी वो वैसा आभास मुझे करवा रही थी, क्योंकि आंखें खोल के रखेंगे तो चक्कर आ जाएंगे इसलिए। और इसमें सर ऐसा लग रहा था जैसे मुंह जो लिप्स का भाग है ना जो फेस है, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। अभी भी कर रही हूँ मैंने, क्योंकि कर रही हूँ तो उसके साथ में मैं थोड़ा सा अभ्यास करने का प्रयास कर रही हूँ कि तब मेरे फीलिंग क्या होगी वो जानने के लिए। तो ऐसा मुझे हो रहा था। अब उसके बाद आज मैंने और क्या किया है मैं भूल गई हूँ, ये सांसों पे ध्यान चल रहा है, एकदम सामान्य सांस, सांस थोड़ी ये डीप की है। हाँ, कंधे ऊपर कंधे नीचे, आप देखिए रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी है, केवल कंधे ऊपर गए हैं और कंधे नीचे आए हैं। आप देखेंगे मेरा सर का स्थान नहीं बदला, सर वहीं का वहीं है, क्योंकि पीठ रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी है, पर कंधे ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हम आगे पीछे करते हैं ऊपर नीचे कम करते हैं, और उसके बाद वही हमने ऊपर करके उसको पीछे थोड़ा सा पीछे ले जाने का प्रयास किया। हाथों को गर्दन हम पीछे नहीं लेके केवल हाथों को पीछे ले गए हैं ताकि ये और अच्छे से अभ्यास हो सके। उसके बाद अब हमारा जो आ रहा है अभ्यास, हाँ ये जो अभ्यास है ना मित्रों पूर्णा होती नहीं, अभी तो ये बड़ा काम बाकी था। ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये अभ्यास पूरे हाथों को एकदम से पूरा घुमा देता है। ये हम अभी तो आगे पीछे कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे और क्या क्या करना है इसमें, क्योंकि ये जो अभ्यास है पूरे जितना हाथ पीछे जाए उतने पीछे ले जाइए आगे लाइए, उसके बाद ये गोल घुमाना है। ये जो है ना मित्रों, ये अभ्यास आप एक एक हाथ से भी कर सकते हैं, मैंने दोनों हाथ से साथ में किया क्योंकि मुझे दोनों हाथ से साथ में करते बनता है, एक हाथ से करने जाती हूँ मैं टेढ़ी हो जाती हूँ, मैं दोनों हाथ से साथ में करती हूँ और इसको करने में मुझे साफ पता चलता है कि मेरे लिप्स थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, मुझे साफ पता चलता है कि हाँ मेरे होंठ थोड़े टेढ़े हो गए हैं। तो ये दोनों साइड से अभ्यास हमने किया और ये दोनों कंधों को फ्री कर देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है और एकदम रिलैक्स कर देता है। हाँ, यदि पहले दिन आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपके कंधे में दर्द आएगा, यदि आपको दर्द आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, अनुलोम विलोम संपूर्ण व्यायाम, संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको प्राणायाम पर वीडियो मिल जाएंगे, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे तो आपको रिलैक्स हो जाएगा। अब हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आज का व्यायाम हम पूर्ण करने की स्थिति में आ गए हैं। तो तीन बार ओमकार का उच्चारण, नहीं पहले तीन बार सांसों पर ध्यान हुआ था, अब तीन बार ओमकार का उच्चारण। दोनों हाथों को ऊपर ले जाके हाथों में घर्षण करेंगे और घर्षण में जोर से नहीं करती, अब जोर से कर सकती कि मेरे शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी बन जाती है, तो हाथों पे, चेहरे पे, हाथों पे और सब जगह शरीर पे घुमा के आप देख सकते हैं कैसे घुमाया गया। उसके बाद दोनों हाथों को मिला के आँखों के सामने लाते हैं, ओम बोलेंगे और उसके बाद हम धरती माता को प्रणाम करेंगे। ये जब पिछले तो मेरे घुटने बेस चुभ रहा था, जो ऊपर की किनारी वो चुभ रही थी, तो हम धरती माता को प्रणाम करेंगे और धरती माता को प्रणाम करने के बाद हम यहाँ थोड़ी सर्व शांति की कामना करते हैं कि उसके साथ कुछ मंत्र होते हैं जो बोल लिए जाते हैं। और उसके बाद आप सभी को धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा बीते, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम। ओम वंदे गौ मातरम मित्रों।